नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खलीलाबाद में जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद कुशल तिवारी जी हैं। क्या माहौल चल रहा है इस समय? अरे देखने रहे कैसा माहौल है। क्लीन स्वीप। लगता है कि जब 3 को यहाँ मतदान होगा तो सपा के पक्ष में बेहतर मतदान हो पाएगा। क्लीन स्वीप हो गया भाई। और क्या चाहिए, अब मतदान जनता अपने अधिकार के लिए करेगी, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए करेगी। योगी जी भी तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, अखिलेश जी की भी जनसभाएं हो रही हैं। सारी कुर्सियां उनकी खाली हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कुर्सियां, मैदान में तिल रखने की जगह नहीं बची है। दोनों में फर्क है कि नहीं? कितनी सीटें पूर्वांचल से सपा जीत रही है? पूर्वांचल में 2-4 सीटें छोड़ दीजिए, बाकी सारी जीत रही। ब्राह्मण की बात की जाए, वर्ग के लोग सारे सुभावती शुक्ला लड़ रही हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हम पे वो था, रोड शो था, आज उसी के नकल करके ये लोग रोड शो कर रहे हैं। अच्छा। कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। 5 किलोमीटर का हो रामिलन, 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लगा। अखिलेश सुभावती शुक्ला के आंसू योगी को मात दे पाएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, आप देखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खलीलाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जय चौबे हैं। चलिए पूछते हैं कि अखिलेश यादव की रैली के बाद क्या माहौल होने वाला है। 2 दिन बाद तो चुनाव है, अखिलेश जी की रैली हुई, लगता है माहौल बदल पाएगा? निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मैसेज आ रहे हैं, जहाँ पे मतदान हुआ है वहाँ पे मैक्सिमम सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, और जहाँ भी हमारे लीडर जा रहे हैं वहाँ पे अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे जनपद की 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अंतर क्या होने जा रहा है अगर आपकी सीट की बात की जाए? अंतर जो कार्य यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हो पाए, मैंने 5-6 चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शुगर मिल, अंडरपास रेलवे का कांटे को नया ब्लॉक बनाना, मगहर की बंद पड़ी कताई मिल को प्रारंभ कराना, जो उद्योग धंध पड़े हैं उनको प्रारंभ कराना। अखिलेश जी ने बुनकरों की बात की, बुनकरों के लिए भी उन्होंने ये कताई मिल तो उसी संदर्भ में परिपेक्ष में घोषणा की गई है। अच्छा, उन्होंने योगी जी को लेकर एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा चीन वाले बाबा। अखिलेश यादव हमारे नेताजी जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं। भाजपा वालों की तरह झूठा बयान वो नहीं देते, उन्होंने सही कहा। हमारे साथ बातचीत के लिए संत कबीर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव जी हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव की रैली के बाद क्या संत कबीर नगर में माहौल बदल पाएगा सपा के पक्ष में? माहौल तो पहले बदल चुका था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आ जाने से तो आप खुद ही देख सकते हैं माहौल एक तरफा है। यहाँ दनघटा से, खलीलाबाद से, मैदाओल से, 3 सीटों से हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप दावा कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्या ऐसी बातें आप जो बता रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ये दावा कर रहे हैं? जी ने कहा है कि हम महिलाओं को 1500 महीना देंगे, सालाना 18,300 यूनिट बिजली देंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे, ये सब बातें हैं। योगी जी को चिलम वाले बाबा कह रहे हैं, अब कुछ तो ऐसा है जिसपे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश जी को सूत्रों से पता लगा क्या ऐसा? ये सुनाई देता है कि कहीं ना कहीं से धुआं निकलता है, तो भाई अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं देखा होगा। संत कबीर नगर के क्या मुद्दे, जैसे आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं आप, हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बता रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ मिल के लिए हमारे विधायक जी भारतीय जनता पार्टी में ही थे, उनकी कोई भी बात को न सुनना, बगल के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी खलीलाबाद को इग्नोर करते रहते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज मन से कहा है कि मिल के लिए हम यहाँ पे अपने समाजवादी पार्टी सरकार में करवाएंगे।